आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन पढ़ सकते। क्वेश्चन कह रहा है, इन द गिवन सर्किट द एसी सोर्स हैज ओमेगा बराबर 100 रेडियन पर सेकंड। कंसीडरिंग द इंडक्टर एंड कैपेसिटर टू बी आइडियल, द करेक्ट चॉइसेस इज आर। अब हमें करेक्ट चॉइसेस पता करनी है। इसमें से ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन में पूछा गया करंट थ्रू सर्किट आई इज 0.3 एम्पियर। दूसरा ऑप्शन है करंट थ्रू द सर्किट आई इज 0.3 इंटू रूट 2 एम्पियर। सी बोल रहा है वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम रेजिस्टर इज 10√2 वोल्ट्स। और डी बोल रहा है द वोल्टेज अक्रॉस 50 ओम रेजिस्टर इज 100 वोल्ट। तो ये पता करना है। अब हमारा सर्किट ये गिवन है जहाँ पर 20 वोल्ट की बैटरी दी गई है, टोटल करंट सर्किट से आई फ्लो कर रहा है, और दो पैरेलल में पार्ट्स दिए गए जहाँ पे एक 100 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है और एक 100 ओम का रेजिस्टेंस है, और दूसरे में 0.5 हेनरी का इंडक्टर है और 50 ओम का रेजिस्टर है। ठीक है, तो अब अगर हम मान लेते हैं इसमें से करंट I1 जा रहा है, इसका करंट I2 है विथ फेज। ठीक है, अब और दोनों के में ये वोल्टेज, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों सर्किट के लिए, इसको मैं वन नाम देता हूँ, पार्ट वन, और ये पार्ट टू हो जाएगा। दोनों पार्ट वन और पार्ट टू है, उसके लिए वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है दोनों के एंड टू एंड जो है वो 20 वोल्ट के बराबर है। ठीक है, मतलब अगर मैं वी बोल देता हूँ इन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को, वो वी 20 वोल्ट है। ठीक है, वो वी नॉट हो जाएगा, नहीं वी बोल देते हैं। अब करंट जो होगा आई, वो होगा I1 प्लस I2 के बराबर। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम I1 और I2 अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। तो अब हमें पता है I1 के सर्किट में 100 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, तो अगर हम XC फाइंड करें, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो कितना होगा, 1/ωC के बराबर होगा। ओमेगा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 100 रेडियन पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 1/100 इंटू 100 इंटू 10^-6। ये कितना हो जाएगा, चार जीरोस है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे इससे, 10^-2, ये बन जाएगा 10^2, मतलब 100 के बराबर। हमारा रेजिस्टेंस कितना है इस सर्किट के लिए, 100 ओम। तो हमारा जो जेड है इम्पीडेंस वो कितना आ जाता है, अंडर रूट ऑफ 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 100√2 के बराबर। ये आ जाता है हमारा टोटल इम्पीडेंस। तो इधर से करंट कितना हो जाएगा, 20/100√2, मतलब V/Z। ये बन गया, देखिए 0 0 कैंसिल आउट हो गया, √2√2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा √2/10। करंट का फेज क्या होगा, अब देखिए, अब इसमें एक रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर है, दोनों की कैपेसिटिव रिएक्टेंस और जो रेजिस्टेंस है उन दोनों की वैल्यू सेम है, तो फेज आना है 45 डिग्री का। ठीक है, अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, इस तरफ आई आर होगा, इस तरफ होगा आई एक्स सी, दोनों की वैल्यू सेम है। यह आ जाएगा इस तरफ 45 डिग्री पे। ठीक है, ये आ जाता है हमारा डायग्राम। ये करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2/10 के बराबर। ठीक है, अब अगर हम दूसरे पार्ट का कैलकुलेट करें, तो हमें पता है इसमें इंडक्टर की वैल्यू गिवन है 0.5 हेनरी, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 50 ओम। अगर मैं XL कैलकुलेट करूं, XL मतलब के इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसकी वैल्यू होती है ओमेगा इंटू एल के बराबर। ओमेगा दिया है 100, इंटू एल है हमारा हाफ, याद आता है 50 ओम के बराबर। देखिए इसमें भी XL और R की वैल्यू सेम है 50 ओम। अगर हम जेड निकालते हैं इम्पिडेंस, वो जाता है अंडर रूट ऑफ XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 50 स्क्वायर के बराबर, मतलब के 50√2 ओम के बराबर। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, V/Z, V की वैल्यू है 20/50√2, 0 0 फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से √2 कैंसिल, √2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 टाइम्स,
ये बन जाएगा रूट टू बाई फाइव। अब इसका फेज क्या होगा हमें पता है, इस केस में ये आई आर होगा और जो आई एक्स एल होगा, जो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 90 डिग्री से लीड करेगा, ठीक है। इन दोनों की वैल्यूज भी सेम है, यह आ जाएगा बीच में 45 डिग्रीज रूट टू बाई फाइव। ये आई टू की वैल्यू आ जाती है, ये आई वन था हमारा। अब अगर हम आई देखते हैं, आई कैसे आएगा, ठीक है। अब हमें टोटल आई निकालना है तो वो कैसे आ जाएगा, इन दोनों का आई बराबर हमें गिवन था, हमने लिखा था आई वन प्लस आई टू, और हम वेक्टर टाइप सम करना पड़ेगा, मतलब सुपर पोजिशन कर रहे हैं तो आई आ जाएगा। ये एक हमारे पास है आई वन 45 डिग्री एंगल पे, जिसकी वैल्यू है रूट टू बाई फाइव, और ये हमारे पास आई टू जो कि है रूट टू बाई टेन 45 डिग्री एंगल पे। अगर हम इसके कंपोनेंट्स करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, आई टू जो है इसका इस साइड कंपोनेंट कितना आ जाएगा, रूट टू बाई टेन इंटू कॉस 45 मतलब 1 बाई रूट टू, रूट टू कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाई टेन आ जाएगा। इस डायरेक्शन में भी कंपोनेंट 1 बाई टेन आ जाएगा। अगर रूट टू बाई फाइव का निकालते हैं तो आ जाएगा ऊपर की तरफ रूट टू बाई फाइव इंटू कॉस ऑफ 45 या साइन ऑफ 45 मतलब कि 1 बाई रूट टू, फिर से रूट टू कैंसिल आउट हो जाएगी, ये आ जाएगा 1 बाई फाइव। इस डायरेक्शन में भी 1 बाई फाइव आ जाएगा। अब देखिए ऊपर की तरफ टोटल कितना बचेगा हमारे पास, 1 बाई फाइव माइनस 1 बाई टेन मतलब 1 बाई टेन के बराबर। इस डायरेक्शन में हमारे पास कितना बचेगा, 1 बाई फाइव प्लस 1 बाई टेन मतलब 3 बाई टेन के बराबर। तो नेट हमारे पास आ जाता है इस तरफ की डायरेक्शन में 3 बाई टेन, इस डायरेक्शन 1 बाई टेन। ओवरऑल आ जाता है, अगर आई बोल देते हैं, आई का मैग्नीट्यूड आ जाता है अंडर रूट ऑफ 1 बाई टेन का होल स्क्वायर प्लस 3 बाई टेन का होल स्क्वायर, जो कि आ जाता है 1 अपॉन अंडर रूट टेन के बराबर, जो कि वैल्यू होती है 0.316 एम्पियर के बराबर, ठीक है। ये आ जाता है। अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन कह रहा है करंट थ्रू सर्किट आई इज 0.3 एम्पियर। हाँ, ये ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, ऑलमोस्ट 0.3 एम्पियर जितना ही है, और 0.3 इंटू रूट टू वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब पूछ रहा है वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम रेजिस्टर इज 10 रूट टू वोल्ट। अब अगर 100 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज चाहिए, अगर इसको हम वी वन बोल देते हैं तो हमें वी वन रिक्वायर्ड है। वी वन क्या हो जाएगा, आई इंटू आर के बराबर। आई कौन सा, आई वन जो इसमें से पास आउट हो रहा है। तो वी वन की वैल्यू, आई वन की वैल्यू कितनी है, जो हमने निकाली रूट टू बाई टेन, रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 है, तो ये कितना आ गया, 0 0 कैंसिल आउट हो गए, ये आ जाता है 10 रूट टू, यूनिट तो वोल्ट ही होगी। सी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। और बोल रहे हैं द वोल्टेज अक्रॉस 50 ओम रेजिस्टर इज 10 वोल्ट। 50 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमें निकाल, वी टू बोल देते हैं। वी टू की वैल्यू क्या होगी, आई टू इंटू आर के बराबर। आई टू क्या है हमारा, रूट टू बाई फाइव जो हमने निकाला, इंटू रजिस्टर की वैल्यू कितनी है 50, देखिए कैंसिल आउट हो गया 10, ये भी 10 रूट टू वोल्ट से आ जाता है। तो डी ऑप्शन गलत है क्योंकि उसने बोला 10 वोल्ट है। तो ए और सी हमारे इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाते हैं। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।